जब इंद्रधनुष पर आता है तो इंद्रधनुष बरसात के बाद इसे प्रिज्म से आप देख सकते हैं, सात रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। और हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्या कहेंगे, इंद्र। देखिए, वर्ण विक्षेप, वर्ण का मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब क्या होता है कलर, विक्षेपण का मतलब होता है बिखर जाना। जब आपको पता है कि लाइट के अंदर सात रंग होते हैं, सात रंग जब भी बिखर जाते हैं तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। बिखर जाएगा तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्ण विक्षेपण कितने रंगों में होता है, सात रंग में। कितने, सात रंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं? कितने होता है, सात रंग, सात रंग होता है। इसे प्रिज्म से आप देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म एक तरह का कांच होता है, इसमें अगर किसी प्रकाश को श्वेत रंग को भेजिएगा तो कितने रंगों में बिखर जाएगा, सात रंग। अब आप बताइए, यहाँ से जैसे भेजेंगे तो ये तो हवा है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, अभिलंब की ओर झुक। अब जब इससे बाहर निकलेगा तो ये हो गया सघन, ये हो गया विरल, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटता है। लेकिन दूर हटने में समस्या ये हो जाता है, ये दूर हटते समय सात रंगों में बिखर जाता है, तो अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है, सात रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। अभी हम सात रंग कैसे बनाए, हम ऐसे बना देते हैं, अलग अलग सात रंगों में क्या हो जाता है, बिखर जाता है। कितने रंगों में बिखर जाता है, सात रंगों में बिखर जाता है। इसे सात रंगों को इस सीरीज पे रख देना, यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम। सबसे नीचे यहाँ पे मिलता है, इसे ट्रिक क्या होता है, वीवी ग्योर। क्या होता है, वीवी ग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हिंदी में कहेंगे बै आ नी हपी नाला, बै आ नी हपी नाला। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बताइए, जाना चाहिए था इसको सीधे, ये कई रंगों में बिखरा, और इसमें सबसे ज्यादा बिखर के नीचे आ गया बैगनी, सबसे ज्यादा बिखर के नीचे आ गया बैगनी, यानी सबसे ज्यादा बिखराव किसका है, बैगनी। बैगनी के बाद बिखराव किसका है, आसमानी का। बैगनी के बाद आसमान, सबसे कम बिखराव लाल, सबसे कम बिखराव लाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, जब इंद्रधनुष पर आता है तो इंद्रधनुष बरसात के बाद बहुत सारे पानी के बूंद हवा में लटक जाते हैं, वो प्रिज्म का काम करते हैं। उससे होके जब प्रकाश आती है बरसात के समय तो वो प्रिज्म का काम करने लगती है। बरसात का पानी किसका काम करता है, प्रिज्म। और छोटे जो हवा, छोटे छोटे पानी के बूंद जो हवा में तैर रहे होते हैं वो किसका काम करते हैं, प्रिज्म। और जब उसको पार करके जब प्रकाश आता है तो वो किस में बढ़ जाता है, सात रंगों में, जिसे हम लोग रेनबो कहते हैं। CBSE वाला क्या कहता है, रेनबो। CBSE वाला रेनबो, CBSE वाला रेनबो। और हम लोग क्या कहते हैं, इंडिगो, इंद्रधनुष। क्या कहेंगे, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इंद्रधनुष भी इसी शेप में दिखेगा। तो सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखेगा, लाल, और सबसे नीचे, नीचे इसलिए कि बिखराव होके वो सबसे नीचे आ गया, और लाल में प्रकीर्ण मतलब बिखराव बहुत ही कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो प्रिज्म से सबसे ज्यादा विचलन यानी अपने रास्ते से डाइवर्ट, डेविएशन किसका होता है, मैक्सिमम डेविएशन बैगनी, बैगनी का। रास्ते से भटकती है बैगनी, और रास्ते से थोड़ा भी नहीं भटकती है, मतलब बहुत ही कम भटकती है लाल। इसीलिए जहाँ पे आपको ज़्यादा दूर तक पहुँचाना है वहाँ लाल का प्रयोग करते हैं, जैसे लेजर लाइट में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। खतरे का संकेत में जो सिग्नल है लाल, वो किसका प्रयोग करते हैं, लाल रंग। खतरे का संकेत लाल रंग।